हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा था कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर कि पाइपलाइन प्रोसेसर और सीआईएससी आर्किटेक्चर क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो आज का टॉपिक है हमारा आरआईएससी। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सीआईएससी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, तो उसके अंदर किस तरीके का आर्किटेक्चर रहता है, इंस्ट्रक्शन उसको मिलती है तो उसके उसको कैसे किस तरीके से फ्लो होता है उसका मशीन के अंदर, ठीक है। वो सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, तो उसका थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा था कि पाइपलाइन प्रोसेसर था जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन किस तरीके से सेट होती है, उसकी प्रोसेस किस तरीके से होती है, उसका फ्लो क्या होता है इंस्ट्रक्शन को सेट करने के लिए, वो सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद सीआईएससी उसका जो प्रोसेसर रहता है, तो प्रोसेसर के अंदर कौन सी मेथड से सारी कैलकुलेशन या इंस्ट्रक्शन रीड की जाती है या फिर कैलकुलेट की जाती है, कंप्यूटिंग की जाती है, उसको हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो उसके उसके जैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे आरआईएससी है जो अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला आर्किटेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि आरआईएससी क्या है। तो आरआईएससी मतलब क्या, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम सीआईएससी पढ़ा था, उसको भी हमने देखा था कि सीआईएससी एग्जैक्टली होता क्या है, उसके अंदर किस तरीके की प्रोसेस होती है, उसका एडवांटेज, उसका फ्लो, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। तो वो सारी चीजें पढ़ी थी, वैसे ही हमें यहाँ पे पढ़ना है आरआईएससी, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से वर्क करता है, उसके अंदर किस तरीके का आर्किटेक्चर रहता है, वो चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि आरआईएससी होता क्या है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर ऑपरेट यूजिंग एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। मतलब जो भी हमारा सीपीयू रहता है वो किसके बेस पे वर्क करता है कि उसका जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसको जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके हिसाब से उसका आर्किटेक्चर ऑपरेट होता है, रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो उसके लिए इन लोगों ने आरआईएससी का यूज किया गया है कि जिस तरीके की भी उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको सबसे पहले आरआईएससी नाम के माइक्रो प्रोसेसर या उसका जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर डाला जाता है, जिसकी मदद से जो भी प्रोग्राम है, जो भी कैलकुलेशन है, जो भी कोड है, उसको वो अलग अलग एक मिनी कोड के अंदर असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो उसके लिए यहाँ पे आरआईएससी का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शन सेट है उसको वो रिड्यूस करता है कंप्यूटर के अंदर, जितनी भी इंस्ट्रक्शन सेट हो रही है उसको। इज अ टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि सीआईएससी भी वन टाइप ऑफ एक आर्किटेक्चर ही है, माइक्रो प्रोसेसर का ही पार्ट है वन टाइप ऑफ, वैसे ही यहाँ पे आरआईएससी भी वन टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का ही पार्ट है, इसका एक आर्किटेक्चर है जिसकी मदद से हम जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं क्लाइंट या यूजर देता है तो उसको किस तरीके से रीड करेगा और किस कहाँ पे वो भेजेगा कैलकुलेट करने के लिए, वो सारी चीजें सीआईएससी और आरआईएससी के बेस पे ही डिपेंडेंट होती है, उसके बेस पे ही सारा कैलकुलेशन होता है। तो आरआईएससी का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाता है कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। वो क्या है कि वन टाइप ऑफ एक माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, उसका यूज स्मॉल हाईली ऑप्टिमाइज सेट इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत ही थोड़े इंस्ट्रक्शन है तो भी उसका यूज आप कर सकते हो, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है या फिर प्रोग्राम दी जाती है उसको भी कैलकुलेशन करने के लिए आरआईएससी का यूज किया जाता है, मतलब सुपर कंप्यूटर के अंदर भी आरआईएससी का यूज किया जाता है। तो ये वन टाइप ऑफ आरआईएससी है, मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसको वो रिड्यूस करके देगा ताकि वहां पे प्रोसेसर को वो कम लोड ले, मतलब कम टाइम के अंदर वो ज्यादा काम कर सके, ठीक है। तो कंप्यूटर का मतलब भी वही हो जाता है कि कम टाइम के अंदर हम ज्यादा प्रोसेस करके दे उसे तो कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं आरआईएससी और सीआईएससी। सीआईएससी बहुत पुराना है और आरआईएससी अभी लेटेस्ट आया हुआ है, तो उसके बारे में डिफरेंसेस भी हम पढ़ेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आरआईएससी एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो कहाँ पे उसको यूज किया जाता है आरआईएससी को, कहाँ पे यूज होता है आरआईएससी, क्या है वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आ गया। वन टाइप ऑफ प्रोसेसर का एक पार्ट रहता है, उसके बाद उसका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल्दो द फॉर्च्यूनर ऑफ आरआईएससी कंप्यूटर वेयर सीन इन 1960, मतलब जो भी आरआईएससी जो भी माइक्रो प्रोसेसर है कंप्यूटर बना रहे थे उन लोगों ने पहले से फ्यूचर को देख लिया होगा कि इस तरीके की आगे डिमांड
हो सकती है। तो 1916 के बेस में उन लोगों ने क्या किया कि इस किस तरीके के इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जा सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर भी बन सकता है, प्रोग्राम भी बन सकता है, ठीक है, तो किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन क्लाइंट उसको दे सकता है। तो उन लोगों ने पहले से ही इस तरीके से आर्किटेक्चर बनाया कि आगे जाके किसी को तकलीफ ना पड़ेगी कि किसी भी तरीके की कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो इजीली कैलकुलेशन कर लेना चाहे, तो वैसे ही उन लोगों ने बनाया, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन उसी के बारे में थी। बट ड्यू टू द पॉपुलरिटी ऑफ CISC माइक्रो प्रोसेसर विच वेर इम्प्लीमेंटेड बाय द मैन्युफैक्चर इन कैलकुलेटर वीडियो गेम्स एंड स्टीरियो, मतलब वो कहाँ पे यूज होता है, तो कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने के लिए या फिर वीडियो गेम को चलाने के लिए या फिर हमें जो भी स्पीकर है उसके लिए, तो अलग अलग वेराइटी ऑफ यूज के लिए किए जाते हैं, उसके लिए CISC का बहुत ही ज्यादा यूज होता है क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिलती है उसको वो रीड करके आउटपुट के अंदर इजीली वो भेजता था, मतलब वो बहुत ही इफिशियंट था उस टाइम पे CISC। तो अभी भी बहुत ही RISC के टक्कर के अंदर CISC बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यूज होने वाला आर्किटेक्चर है, ठीक है। फिर RISC आर्किटेक्चर वॉज ओवर शैडोड, मतलब उसकी मदद से जो CISC और वीडियो गेम्स कैलकुलेटर स्टूडियो में यूज हो रहा था इसकी मदद से RISC बहुत यूज नहीं हो रहा था। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट डेट्स RISC कंप्यूटर वेर पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस इन 1980, मतलब RISC का डेवलप तो 1960 के अंदर हो गया था पर CISC की पॉपुलरिटी की मदद से वो बैकग्राउंड में था, अभी उसका यूज उतना नहीं हो रहा था हार्डवेयर के अंदर, पर धीरे धीरे 1980 के अंदर धीरे धीरे फंक्शनलिटी बढ़ी तो उसको यूज करना पड़ा, ठीक है, RISC का। तो इसीलिए RISC का अभी यूज हो रहा है। तो कहाँ पे यूज होता है वो आपको समझ में आ गया, भाई किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन को वो कैलकुलेट करके आउटपुट के अंदर वो प्रोड्यूस कर सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वीडियो ऑडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या फिर आपका सिंपल सिर्फ टेक्स्ट हो सकता है, PDF हो सकता है, तो कोई भी चीज है वो इजीली रीड करके आउटपुट आपको देता है। तो ये इसका यूज था RISC का। तो उसके बाद हम चलते हैं कि उसकी प्रोसेस क्या रहती है, उसका आर्किटेक्चर के अंदर प्रोसेस क्या कहता है, RISC प्रोसेसर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उसका जो डायग्राम है वो यहाँ पे दिया गया है पर उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि RISC प्रोसेसर is implemented using the hardware control unit, मतलब जो भी उसको instruction दी जाती है तो वो सारी hardware के पास पहुंचती है, तब hardware को control, मतलब कौन सा उसका resource free है और कौन सा resource काम पे अभी लगा हुआ work कर रहा है, तो वो देखता है कि कौन से resource को अभी use करना है, ठीक है। तो सारा काम क्या रहता है RISC, मतलब जो भी free बैठा रहता है उसको वो काम दे देता है। तो hardware को control करता है RISC। The hardware control unit produce the control signal which regulate the working of process hardware, मतलब hardware control unit है वो क्या करेगा कि one type of signal generate करेगा उसको active करने के लिए, जिसकी मदद से वो अपना काम करना चालू कर देगा। फिर एक ही RISC architecture emphasize on using the register rather than the memory, मतलब क्या कहता है कि RISC CISC के बारे में हमने पढ़ा था, वो क्या कहता है कि मेमोरी का जो भी आउटपुट उसका है उसको स्टोर करने के लिए या टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए डायरेक्टली रजिस्टर का यूज करता है, मतलब वहां पर उसको जाना पड़ेगा। पर RISC क्या कहता है कि टेम्पररी वो रजिस्टर के अंदर डेटा को स्टोर करेगा और उसके बाद मेमोरी में स्टोर करेगा। तो CISC और RISC में फर्स्ट डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया कि CISC डायरेक्टली मेमोरी में डेटा स्टोर करता है और RISC पहले रजिस्टर उसके बाद मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है, ताकि उसको लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी पर उसको टाइम कम लगेगा डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर करने में, ठीक है। This is because the register are the fastest available memory source. क्यों? तो first of all memory के पास आपको पहुंचना है तो वो बहुत ही slow हो जाता है क्योंकि वहां पे data पहुंचाना भी पड़ता है, तो उसमें time waste होता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि RISC के अंदर जो भी उसका output या temporary data था उसको directly उसी unit के अंदर register के अंदर store किया, तो register easily उसको available होते हैं इसलिए वो fast way में data को store कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक the register are physically small and are placed on the same chip where the ALU and the control unit are placed on the processor, मतलब जब वो हमारा control processor है उसके अंदर ही हमारे पास temporary register दिए जाते हैं, मतलब 6 या 7 register होते हैं, ठीक है, वो हमें temporary 256 each data store करता है, मतलब temporary इतना वो 256 KB तक data को store कर सकता है हर एक register, जैसे 8 या 9 7 या 8 रजिस्टर हमारे पास होते हैं एक प्रोसेसर के अंदर, तो उतना डेटा वो टेम्पररी स्टोर कर देता है, ठीक है, ताकि उसको आगे कभी भी मेमोरी में डेटा स्टोर करना पड़े तो डायरेक्टली वहां पे स्टोर करेगा। पर ALU के अलावा
ठीक है, जो मेमोरी है वो अलग से पार्ट रहता है, कंट्रोल यूनिट का पार्ट नहीं रहता, तो वहां पे डेटा भेजने के लिए ट्रांसफर करने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, और RISC के पास क्या रहता है कि रजिस्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसका वो डायरेक्टली यूज करता है, वो कम टाइम के अंदर डेटा को ट्रांसफर यानी कि कैलकुलेट करके वो दे देता है। ठीक है, फिर एक ही द RISC इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ऑन द ऑपरेंड प्रेजेंट इन प्रोसेसर रजिस्टर, मतलब रजिस्टर के अंदर जितने भी ऑपरेंड उसके पास पड़े हैं उसको उसके हिसाब से ही वो इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करेगा, ये चीज यहाँ पे होगा, ताकि उसको टाइम भी बचे, मतलब कम टाइम के अंदर ज्यादा टाइम देने के लिए RISC रिस्पॉन्सिबल है। और CISC के अंदर क्या होता है कि दोनों का काम सेम है, पर RISC ज्यादा टाइम लेता है। तो ये प्रोसेस है उसका आर्किटेक्चर। तो उसका आर्किटेक्चर अब हम देखते हैं कि क्या क्या उसके अंदर आता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि RISC प्रोसेसर आर्किटेक्चर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मेन मेमोरी के साथ दोनों चीजें कनेक्टेड रहती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोई भी डेटा उसको देगा तो इंस्ट्रक्शन के कैच मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन अभी उसको मिली है, फिर एक ही हार्डवेयर मतलब कंट्रोल यूनिट के पास वो इंस्ट्रक्शन जाएगी, और जाने के बाद उसको कहाँ पे ऑपरेंड और वेरिएबल को स्टोर करना वो डिसाइड करेगा, और वो डेटा को क्या करेगा, एक टेम्पररी रजिस्टर के अंदर स्टोर करके रखेगा, ताकि वो कभी भी मेमोरी के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवा सके या फिर आउटपुट के अंदर वो डेटा को भेज सके। तो ये इसका वन टाइप ऑफ आउटपुट है, उसका एक्सप्लेनेशन हम नीचे देखते हैं। ठीक है, फिर एक ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन उसको किस तरीके से दी जाती है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन किस तरीके से दी जाएगी यहाँ पे, तो RISC इंस्ट्रक्शन आर सिंपल एंड आर फिक्स्ड साइज, मतलब एक तरीके से उसकी साइज फिक्स रहती है। जैसे कि रजिस्टर के अंदर जितने भी डेटा मुझे स्टोर करने, तो उनके लिए उन लोगों ने एक साइज फिक्स करके रखे, 256 KB तक का ही यूज कर सकते, उससे ज्यादा आप मेमोरी का यूज नहीं, मतलब रजिस्टर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिक्स मेमोरी है यहाँ पे। फिर है कि इच RISC इंस्ट्रक्शन एंगेज अ सिंगल मेमोरी वर्ड, मतलब वो हर एक 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 वर्ड के साथ वो एंगेज रहता है कि किसके साथ मुझे कौन सा ऑपरेशन करवाना है। फिर एक RISC इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ऑन प्रोसेसर रजिस्टर ओनली, मतलब रजिस्टर के अंदर जितना डेटा पड़ा है उसके बेस पे ही वो कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, फिर एक द इंस्ट्रक्शन डेट हैव एरिथमेटिक एंड लॉजिकल लॉजिक ऑपरेशन शुड हैव देयर ऑपरेंड इधर इन अ प्रोसेसर रजिस्टर और शुड बी गिवन डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दिए जाते हैं वो ऑपरेंड के बेस पे प्रोसेसर रजिस्टर या फिर इनडायरेक्टली मेमोरी के अंदर जो भी डेटा रहता है, इंस्ट्रक्शन रहती है, उसके बेस पे वो कैलकुलेशन करना चालू करेगा। तो ये थी इंस्ट्रक्शन सेट। अब इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर क्या क्या आता है वो यहाँ पे दिया गया है कि इंस्ट्रक्शन सेट किस तरीके से दी जाती है, मतलब लैंग्वेज किस तरीके से कन्वर्ट होती है, मतलब जो भी हम प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं उस प्रोग्राम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेगा, तो वो यहाँ पे लाइक इन बोथ इंस्ट्रक्शन बिलो हैव द ऑपरेंड, मतलब यहाँ पे R2 और R3 दो चीजें दी गई है, मतलब एड मतलब मुझे R2 और R3 जो रजिस्टर है, R2 रजिस्टर और R3 रजिस्टर, तो दोनों के अंदर जो डेटा पड़ा है उसका मुझे एड करवाना है, इसलिए यहाँ पे एड दिया। तो यहाँ पे वापस दिया एड R2 R3 R4, मतलब तीन रजिस्टर है उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा है उसका वो कैलकुलेशन करेगा। फिर एक ही मतलब कितने भी रजिस्टर के साथ डेटा आप कर सकते हो, पर मैक्सिमम आपके पास 7 या 8 ही होते हैं, उससे ज्यादा आप रजिस्टर का यूज नहीं कर सकते। तो ऑपरेंड कैन बी मेंशन डायरेक्टली इन इंस्ट्रक्शन एज बिलो, मतलब डायरेक्टली आप वैल्यू भी रजिस्टर के अंदर एड कर सकते हो, मतलब R2 के अंदर जो भी डेटा पड़ा है उसके साथ 100 का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और वो R2 के अंदर ही डेटा को स्टोर कर देगा। तो ये इसकी असेंबली लैंग्वेज थी। बट इनिशियली द स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ऑल ऑपरेंड आर इन अ मेमोरी, मतलब मेमोरी के अंदर ही है सारा डेटा। सो टू एक्सेस द मेमोरी ऑपरेंड द RISC इंस्ट्रक्शन सेट द लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो लोड का मतलब वो डेटा वहां पे लोड करेगा या फिर डेटा लाएगा, स्टोर का मतलब वहां पे वो डेटा को स्टोर करेगा। तो लोड इंस्ट्रक्शन लोड द ऑपरेंड प्रेजेंट इन अ मेमोरी टू प्रोसेसर रजिस्टर। तो यहाँ पे लिखा है दिस डेस्टिनेशन फर्स्ट है और सोर्स बाद में है, तो यहाँ पे ऐसे पता चलेगा कि लोड R2, A, मतलब सोर्स A में से जो भी डेटा पड़ा है वो R2 रजिस्टर के अंदर लोड हो जाएगा। ठीक है, फिर एक ही था लोड इंस्ट्रक्शन अबोव विल लोड द ऑपरेंड प्रेजेंट एट अ मेमोरी लोकेशन A टू प्रोसेसर रजिस्टर B, जैसे मैंने आपको अभी बताया वही चीज यहाँ पे लिखी है।
फिर स्टोर करने के लिए स्टोर नाम का यहाँ पे जो एड जैसे था लोड था वैसे यहाँ पे स्टोर होता है कि R2 नाम के रजिस्टर के अंदर मतलब एट के अंदर मुझे डेटा को स्टोर करवाना है तो यहाँ पे स्टोर और R2 के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई। तो मतलब मेमोरी के अंदर इस तरीके से प्रोसेसर के पास इस तरीके से कैलकुलेशन होती है, तो इसे यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज बोला जाता है। लास्ट CIC के टाइम पे भी मैंने आपको बोला था कि इस तरीके की जो भी लैंग्वेज रहती है उसे आप असेंबली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। मतलब हार्डवेयर के अंदर कभी भी किसी भी तरीके के डेटा को कैलकुलेशन या इंस्ट्रक्शन देनी रहती है तो आपको इस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा, तभी वो हार्डवेयर अपनी तरीके से कुछ कैलकुलेशन करके आपको देगा। मतलब डायरेक्टली आप असेंबली लैंग्वेज भी लिख सकते हो या फिर किसी कंपाइलर के थ्रू भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, तो उसके अंदर भी डायरेक्टली इस तरीके से ही कन्वर्ट होता है बीच में, ठीक है, फिर वो 0101 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये बीच में मिडल लेवल लैंग्वेज भी यूज होती है यहाँ पे, इसे बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इस तरीके की RISC और CISC की इंस्ट्रक्शन सेट रहती है, सिर्फ इसके अंदर कमांड के अंदर चेंजेस है। वहां पे अलग तरीके से यूज होता था CISC में और RISC में थोड़ा अलग तरीके से यूज होता है, बस बाकी कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं हम। अब डेटा को स्टोर करने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि जो भी यहाँ पे रजिस्टर दिए उसके भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स दे दिए, ठीक है। तो वो टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसे बोला जाता है यहाँ पे एड्रेस मोड, मतलब किस तरीके का डेटा को मुझे स्टोर करवाना है उसके लिए यहाँ पे नाम दिया गया है एड्रेस मोड, ठीक है। तो यहाँ पे कितने तरीके के अलग अलग डिफरेंस मोड है वो मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ। तो RISC इंस्ट्रक्शन हैज अ सिंपल एड्रेसिंग मोड, बिलो वी हैव अ लिस्ट ऑफ RISC इंस्ट्रक्शन टाइप एड्रेसिंग मोड, उसे यहाँ पे बोला जाता है एड्रेसिंग मोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है रजिस्टर, मतलब जितने भी हम मोड पढ़ रहे हैं वो सारे रजिस्टर है, रजिस्टर के भी अलग अलग टाइप रहते हैं। फर्स्ट है इमीडिएट एड्रेसिंग, मतलब डायरेक्टली मुझे कभी भी बहुत इमरजेंसी और डेटा को स्टोर करवा देना है तो उसके लिए यहाँ पे इमीडिएट, उसके अंदर थोड़ी प्रोसेस अलग तरीके से होगी, असेंबली लैंग्वेज थोड़ी अलग तरीके से लिखी जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है देयर इज एड्रेसिंग मोड एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द ऑपरेंड इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसको क्या ऑपरेंड मतलब जो वेरिएबल है वो दिया जाएगा, पर अलग से एक एक्स्ट्रा रजिस्टर यूज करना पड़ेगा तभी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि एड मतलब R2 और 200 दोनों का मुझे सम करना है और वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, R4 के अंदर। जैसे हम लिखते हैं कि C = A + B, तो वहां पे मुझे इक्वल टू प्लस ऐसा मुझे मेंशन करना पड़ता है, ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे किसी भी तरीके के ऑपरेटर का यूज नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आपको ये एड कमांड देना पड़ता है, एड R4 = R2 + 200, तो दोनों का सम हो जाएगा और R4 के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि द अबोव इंस्ट्रक्शन विल एड 200 टू कंटेन R2, मतलब R2 रजिस्टर के अंदर वो एड करेगा, ज्वाइन करेगा और उसको स्टोर करेगा कहाँ पे, R4 के अंदर। तो इमीडिएट के अंदर अलग से एक एक्स्ट्रा रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। फिर है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। दिस एड्रेसिंग मोड डिस्क्राइब द रजिस्टर होल्डिंग द ऑपरेंड, मतलब किस तरीके का डेटा उसको होल्ड करवाना है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो उसके लिए यहाँ पे उन लोगों ने R3 और 2 बाल लिया, तो R3 और R4 दोनों का सम हो जाएगा और वापिस R3 के अंदर वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का कैलकुलेशन होने के बाद R3 के अंदर उसका दोनों का जो भी आंसर आ रहा है वो यहाँ पे स्टोर होगा। तो अबो इंस्ट्रक्शन विल एड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R4 टू कंटेंट ऑफ R3 एंड स्टोर द रिजल्ट इन R3, जो मैंने अभी आपको बताया वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताया। तो रजिस्टर एड्रेस मतलब रजिस्टर के अंदर डेटा स्टोर करना है। तो फिर उसके बाद दिया है कि एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, दिस एड्रेसिंग मोड डिस्क्राइब अ नेम फॉर अ मेमोरी लोकेशन इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो भी मेमोरी के अंदर डेटा मुझे स्टोर करना है उस मेमोरी का लोकेशन भी पहले से देना पड़ेगा, तभी मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ या फिर कैलकुलेशन कर सकता हूँ। इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल, मतलब मुझे वहां पे ग्लोबल, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं वैसे यहाँ पे भी ग्लोबल वेरिएबल आप बना सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंटीग्रल इंटीजर, दिस इंस्ट्रक्शन विल एलोकेट अ मेमोरी टू वेरिएबल A, B, and C, मतलब तीन अलग अलग वेरिएबल वो बनाएगा मेमोरी के अंदर, मतलब ग्लोबल वेरिएबल बनाएगा, जैसे हम सी लैंग्वेज में बनाते थे वैसे उसका डेटा टाइप पहले से ही मेंशन करके रखना पड़ता है। फिर एक ही रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। तो इसके अंदर दिया गया दिस एड्रेसिंग मोड डिस्क्राइब द रजिस्टर विच हैज द एड्रेस
of actual operand in the instruction. It is similar to pointer in a hold. HLL मतलब hold के अंदर वो store कर रखता है, मतलब hold करके वो रखता है. तो इसके लिए इन लोगों ने बताया यहाँ पे कि R2 और R3, मतलब जो भी इन दोनों का sum हो जाएगा sum होने के बाद, या फिर load, load करना है मतलब R2 में से data को R3 के अंदर load करवा देना है. तो यहाँ पे लिखा है instruction will load the register R2 with the content whose address is mentioned in R3, मतलब उसका address कहाँ पे दिया गया है, R3 के अंदर. R2 के अंदर जो भी डेटा लोड हुआ है वो R3 के अंदर स्टोर करके रखेगा. मतलब एक अलग से रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर इसकी लोकेशन स्टोर रहती है. तो ये सारे एड्रेसिंग मोड थे, ठीक है. कौन कौन से थे? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. तो सारा जितने भी एड्रेसिंग मोड है सबका पार्ट, सबका काम क्या है कि मेमोरी को, मेमोरी के अंदर जो भी कैलकुलेशन उसको स्टोर करके रखने का, ठीक है. तो वो सारे एड्रेसिंग मोड का काम रहता है. तो उसकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इस तरीके से दी जाती है. तो देखो इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम हम किस तरीके से लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में लिख सकते हैं वो बताया गया. तो बी के अंदर जो डेटा है वो R1 के अंदर लोड होगा, सी के अंदर डेटा है वो R2 के अंदर लोड होगा, फिर R2 और R1 दोनों का सम होकर R3 के अंदर स्टोर हुआ और जो भी डेटा R3 के अंदर था वो सी के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है, मतलब आउटपुट के अंदर. तो इस तरीके से हम ए बी सी का यूज करके मुझे आउटपुट इस तरीके से मिलता है, ठीक है. तो हम जो सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं उसके अंदर इस तरीके से सारी बैकएंड में प्रोसेस होती रहती है और वो फिर 0101 के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट कैलकुलेट करती है. तो इतनी सारी प्रोसेस बैकएंड में चलती है, मतलब ए प्लस बी का मुझे सम करना है तो इतनी प्रोसेस मुझे लगेगी, मुझे असेंबली लैंग्वेज से करवानी पड़ेगी. अगर आप डायरेक्टली कोड लिखते हैं तो उसके लिए आपके पास इतनी कोड लिखोगे तभी आपको दो वेरिएबल का सम होके आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है. तो ये इंस्ट्रक्शन सेट थी RISC और वैसे ही CISC की भी आती है, ठीक है, पर थोड़ा ही उसके लिए चेंज हो जाता है, ठीक है. तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है RISC के, ठीक है. जो जैसे मैंने आपको बताया था RISC इंस्ट्रक्शन आर सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन, मतलब सिंपल मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शन दी जाती है. RISC इंस्ट्रक्शन आर हार्डवेयर टू फास्ट टाइम द एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन करने के लिए ज्यादा फास्ट है. जैसे मैंने आगे आपको बताया देयर आर वेरी फ्यूअर इंस्ट्रक्शन इन RISC इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत ही कम इंस्ट्रक्शन RISC को दी जाती है, मतलब उससे पहले ही सारी कैलकुलेशन हो जाती है. RISC इंस्ट्रक्शन एज ए सिंपल एड्रेसिंग मोड, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एड्रेसिंग मोड होते हैं जिसके अंदर डेटा को आप सिंपली टेम्पररी स्टोर कर सकते हो. RISC इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट फास्टर बिकॉज मोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ऑन प्रोसेसर रजिस्टर एंड देयर इज अ नो नीड टू एक्सेस मेमोरी फॉर ईच इंस्ट्रक्शन. जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेमोरी के पास पहुंचता नहीं है, उससे पहले ही सारी कैलकुलेशन वो खुद से करके प्रोसेसर को भेजता है. इट इज ईजी टू पाइपलाइन RISC इंस्ट्रक्शन एज all instruction is of fixed size and opcode and operand are located in the same position in the word. ठीक है, तो word के अंदर जितने भी size है, जो भी data उसको देते हैं, word के अंदर जो भी हम calculation करवाते हैं, मतलब जो भी हम एक instruction देते हैं उसको word के अंदर अलग अलग word के अंदर divert कर देता है, separate कर देता है और उसके हिसाब से वो fixed size के अंदर calculation सारी करता है. RISC instruction एक्चुअल वन इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक साइकिल, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए वो एक क्लॉक साइकिल का यूज करता है, ठीक है. तो क्लॉक साइकिल बहुत ही अलग से उसकी हार्डवेयर को सिस्टम को समझने के लिए अलग से पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है. देखते आगे आएगा कि नहीं आएगा. फिर एक उसके डिसएडवांटेजेस, तो RISC इंस्ट्रक्शन साइज इज रिड्यूस बट मोर इंस्ट्रक्शन आर रिक्वायर्ड, मतलब वो क्या करेगा कि रिक्वायरमेंट मतलब साइज तो उसकी कम हो गई पर उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको ज्यादा पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो कैलकुलेशन कर पाएगा. तो मतलब CISC के मुकाबले RISC के अंदर ज्यादा इंस्ट्रक्शन रहेगी और CISC में कम रहेगी, तो CISC ज्यादा फास्टर हो जाता है इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के हिसाब से. सो वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम इज इंक्रीज, मतलब RISC के अंदर प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाएगी, CISC के अंदर प्रोग्राम की लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है. तो मशीन इंस्ट्रक्शन आर हार्डवेयर इन RISC सो इट वुड कॉस्ट इफ एनी इंस्ट्रक्शन नीड मॉडिफिकेशन, मतलब किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर चेंजेस करने की जरूरत पड़े तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी क्योंकि उसके डायरेक्टली हार्डवेयर के अंदर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. तो पूरा हार्डवेयर भी आपको बदलना पड़ सकता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है. इट फाइंड इज डिफिकल्टी इन प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एंड कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड, मतलब वो
क्या कहता है कि उसके अंदर जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए कौन से कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्स एड्रेस है, उसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। फिर RISC इंस्ट्रक्शन डू नॉट अलाउ डायरेक्ट मेमोरी, मतलब RISC के अंदर आप डायरेक्टली मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते, आपको पहले रजिस्टर के अंदर डेटा को लोड करवाना पड़ेगा या फिर स्टोर करना, तभी आप मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं कर सकते, ये आपका डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। तो यहाँ पे लास्ट में आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिए जो आपको आपकी अटेंडेंस कंपलसरी हो जाए, ठीक है, उसके लिए आपको फिलअप करके रखने हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने दिए कि फुल फॉर्म ऑफ RISC, यहाँ पे 4 लिख दिया है, तो यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है। व्हाट इज RISC, RISC क्या है वो आपको 2 लाइन के अंदर लिखना है, ठीक है। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर डेटा सेव एंड लोड, मतलब कौन सी प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट, तो वो आपको यहाँ पे पढ़नी है, लिखनी है, ठीक है। जो हमने ये 4 लाइन लिखी है उसमें से कौन सी 2 लाइन है वो यूज होगी डेटा को सेव और लोड करने के लिए, वो वहाँ पे लिखना है, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे।